हाँ तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का नेशनलिज्म इन इंडिया। जी हाँ गाइस, एनिमेशन स्टोरी रहने वाली है, आपको एनिमेशन में वीडियो आज मैं पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको चैप्टर एकदम क्लियरली एकदम अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को देर ना करो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में एडुकेटिस में। तो गाइस, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। और चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं, स्टार्टिंग होती है नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नेशनलिज्म मतलब क्या होता है। ठीक है, नेशनल मतलब एक फीलिंग, अपने देश के लिए प्राउड की फीलिंग, उसे कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, तो देखिए शुरुआत क्या होती है, शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से शुरुआत होती है नेशनलिज्म इन इंडिया के। ठीक है गाइस, तो चलिए बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि 1914 और 1918 तक चली थी 4 साल, और फिर 1919 में जो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और इससे क्या है, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज आए थे। ठीक है, तो देखिए उसमें से पहला क्या था, ब्रिटिश एक्सपेंडिचर जो था उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, और सो दी इंक्रीज टैक्सेस, उसकी वजह से टैक्सेस बढ़ गए, कस्टम ड्यूटीज लगने लगी। ठीक है, वर अबॉलिज होने लगी। ठीक है, इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, और आर्मी रिक्रूटमेंट भी हुआ। ठीक है, और दूसरा जो उसका वो था एक्सपेंडिचर का, मतलब और जो पॉलिटिकल इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो आ गए। देखिए क्रॉप फेल्ड, ठीक है, क्रॉप फेल हो गए थे, और फूड शॉर्टेज होने लगा था। ठीक है, और इसी वजह से बहुत लोग मर भी गए थे एपिडेमिक्स में और फेमाइंस में। ठीक है, और बताइए वॉर होने के बाद भी टैक्स का जो प्राइस है वो रिड्यूस नहीं हुआ। जी हाँ गाइस, वॉर होने के बाद भी टैक्स का प्राइस रिड्यूस नहीं हुआ। और फिर एंटर होता है एक एंटी कॉलोनियलिस्ट प्रोटेस्टर गर्ल, जिनका नाम था महात्मा गांधी। जी हाँ गाइस, महात्मा गांधी। ठीक है, 1915 में जो कि साउथ अफ्रीका से आए थे, सक्सेसफुली उन्होंने सत्याग्रह वहाँ पे फॉट किया था, लड़ा था किसके अगेंस्ट में, रेसिस्ट रिजाइम के अगेंस्ट में, मीन्स काला गोरा का जो डिफरेंस वहाँ पे जो हो रहा था, अनइक्वलिटी हो रही थी, उससे वो सत्याग्रह से लड़ के सक्सेसफुल भी हो गए थे। और वो 1915 में महात्मा गांधी इंडिया में लौटे, तो यहाँ से शुरुआत होती है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो क्या देते कि यहाँ पे एक ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाँ तो गाइस, 1916 में चंपारण में गांधी जी ने पेटेंट्स को सपोर्ट किया था, जो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में, प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में जो पीजेंट्स थे उन्हें सपोर्ट किया था। ठीक है, फिर बात आती है गाइस 1917 में, एक साल बाद ही खेदा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में, वहाँ पे भी उन्होंने पेजेंट्स को सपोर्ट किया था, जो चाहते थे रिलैक्सेशन फ्रॉम दी टैक्स, मीन्स देखिए क्रॉप फेलियर हुआ था, एपिडेमिक्स हुआ था, तो टैक्सेस भी रिड्यूस नहीं हुए थे, जैसे कि आपको पता मैंने अभी बताया, तो टैक्स बहुत इंक्रीज हुए, तो उनसे रिलैक्सेशन जो पेजेंट्स जाना चाहते थे, उन पेरेंट्स को भी महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया। ठीक है, तो चलिए फिर 1918 में अगेन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि उनके इंक्रीज्ड वेजेस के लिए, ठीक है, ताकि उनकी वेजेस बढ़ाई जाए, तो उसमें उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, फिर आता है 1919 के बाद जब रोलेट एक्ट आया। आखिर ये रोलेट एक्ट है क्या, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। रोलेट एक्ट में ये था कि गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया था, मीन्स जो भी वहाँ पे रूल था उसे ऑथराइज कर दिया था कि जो भी इंडियन के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल लीडर, उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, विदाउट एनी रीज़न उनको जेल में डाल दिया जाए। तो इसी के रिस्पॉन्स में गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि शॉप्स बंद हो गई, ऑर्गेनाइज रैलीज हो गई, स्ट्राइक्स पे लोग जाने लगे। जैसे कि आपको पता है इसी के रिस्पॉन्स में मार्शल लॉ आया था वहाँ पे, जनरल डायर ने टुक वहाँ पे उन्होंने कमांड टुक किया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, फिर 13 अप्रैल को 1919 में, जो कि बहुत ही फेमस है, जैसे आपको पता है अमृतसर में बैसाखी फेयर लगा हुआ था, जनरल डायर ने जो थे उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकिया करवा दिया, मतलब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जनरल डायर ने ओपन फायर करवा दी, मीन्स उसे उस एरिया को पूरी चारों तरफ से बंद करके वहाँ पे फायरिंग करवा दी, और वहाँ पे बहुत लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहाँ पे मर गए थे, और कुछ जो अपनी जान बचाने के लिए खुद कुएं में कूद गए थे और मर गए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि मूवमेंट जो था वो बहुत ही एग्रेसिव हो गया,
अग्रेसिव होने के बाद मींस वायलेंस हो गया और फिर गांधी जी ने उस मूवमेंट को फाइनली बंद कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अब ब्रॉड बेस्ड एकदम नया मूवमेंट अब स्टार्ट करना पड़ेगा। सो फाइनली गांधी जी ने अपनी बुक का मींस उनकी जो बुक है हिंदी स्वराज उसका एक आइडिया अपनाया जो कि था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसमें क्या था, बट ही वॉन्टेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड ही वॉन्ट दैट मोहम्मद अली एंड शौकत अली, वो मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाई, ठीक है, क्योंकि इसमें उन्हें मास मूवमेंट स्टार्ट करना, जिससे कि इंडिपेंडेंस मिले पूरे इंडिया को, ठीक है, कोई भी इनइक्वलिटी ना हो। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया अपनाया, मोहम्मद अली और शौकत अली से उन्होंने मिला, ठीक है, उनसे बात की, और फिर ये मूवमेंट बाद में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कहलाया गया 1921। और फाइनली स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, सब ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है, लॉ फेयर जो थे उन्होंने गेव अप कर दिया, फॉरेन गुड्स जो थे उन्हें बॉयकॉट किया गया और फॉरेन क्लोथ्स जो थे उन्हें जला भी दिया गया, ठीक है। लेकिन बट सून दिस मोमेंट स्टार्ट लूजिंग इट्स मोमेंटम, मीन्स इस मोमेंट ने अपनी लिमिटेशन स्टार्ट कर दिया था लूजिंग, ठीक है, उसे मतलब फिर ये मोमेंट थोड़ा ढीला पड़ने लगा था कि मोमेंट ज़्यादा चल नहीं पाया, ठीक है। तो बाद में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट तरीके से पेश आता था, मीन्स डिफरेंट तरीके के लिए मैंट उसकी मीनिंग थी, ठीक है, दूसरे लोगों के लिए, टाउन्स के लोगों के लिए दूसरा चीज़ थी, कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया के लिए दूसरी चीज़, उसमें क्या थी, देखिए बेगार सिस्टम था, ठीक है। तो यहाँ पे बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, उन्होंने आउट किसान सभा को सेटअप किया और डिमांड किया कि बेगार सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, और बट लोकल लीडर्स दे मिस इंटरप्टेड और उन्होंने कहा कि नहीं, नो टैक्स, टैक्स भी नहीं देंगे, प्लांटेशन वर्कर जो थे वो लेफ्ट, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, ठीक है, और वो पुलिस से पीटे भी गए, दे वर बीटन बाय पुलिस, ठीक है। तो ये सब हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, अलग अलग तरीके से ये सब हुआ। फिर हम बात करते हैं 1922 में, जैसे कि आपको होता है इस चैप्टर में आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो 1922 में जब चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ, गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये जो इंडियंस को हैं उन्हें अब एजुकेट और ट्रेन किया जाए और मूवमेंट के लिए, ताकि वो बाद में मास मूवमेंट स्टार्ट कर सके, क्योंकि इंडियंस को एजुकेट करना और ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मास मूवमेंट में हम लोग का पार्टिसिपेट कर सकें और हम लोग का इंडियन को, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला सके, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हाथ बहुत ही सारे लोगों का था, ठीक है। तो ये अगर पीपल सपोर्ट ना करते, गांधी जी अकेले तो नहीं कर पाते ना, तो पीपल का सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं या मूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर बात करते हैं 1922 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो स्वराज पार्टी में थे, ठीक है, बट जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो उन्होंने नहीं ज्वाइन किया इस पार्टी को। क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंस तो हों लेकिन वो मूवमेंट के थ्रू हों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट नहीं था, ठीक है। तो देखो आफ्टर दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया तो इंडियंस लीडर जो थे उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर साइमन कमीशन सेटअप हुआ, मींस लॉर्ड इरविन जो थे वो डोमिनेंट स्टेटस में, उन्होंने साइमन कमीशन को सेटअप किया इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। वो चाहते थे कि वो देखना चाहते थे और फंक्शनिंग करना चाहते थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसे चलता है, मींस उसे फंक्शन करना चाहते थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो ये जब उन्होंने ये सेटअप हुआ था साइमन कमीशन कब, 1927 टू 1928, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम एक ही थी कि नो इंडियन मेंबर, इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, बस इसकी प्रॉब्लम यही थी, ठीक है। तो 1928 में डे डिमॉन्स्ट्रेशन एंड साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक लाहौर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है, ये हुआ था और वहाँ पे बहुत ऐसे लोग निकले थे कि साइमन गो बैक, तुम वापस जाओ, ठीक है, इंडिया में नहीं आओ, ठीक है, ये सब कहा और उसी में लाला जी जो थे वो लाठी चार्ज में मारे गए, ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है एक पीरियड आता है 1929 में जिसे कहते हैं हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे, एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन होने लगा था, पेजेंट्स कुड नॉट पे द रेवेन्यू, वो पेजेंट्स जो थे वो रेवेन्यू भी नहीं पे कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसी बीच में फिर सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट जो चल रहा था उसमें गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स रखी, ठीक है। 11 डिमांड्स किसके सामने रखी,
टू दी इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड एवन के सामने रखी। उसमें से कुछ डिमांड थी जैसे कि वो सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश कर दें, डिक्रीज लैंड रेवेन्यू को जो था उसे कम कर दें, और डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेज में जो डिफरेंट क्लासेज की जो डिमांड थी उन्हें पूरा करने जाए। कब रखा था? 31 जनवरी को 1930 में। ठीक है, तो देखिए इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, लेकिन वो विल नहीं कर पाता, वो नहीं चाह रहा था कि अरे यार ये कैसे करें। ठीक है, तो महात्मा गांधी फिर जब ये नहीं हुआ विलिंग उसने नहीं माना इरविन ने, तो महात्मा गांधी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ दांडी मार्च पे चले गए, शॉर्ट मार्च पे फ्रॉम साबरमती टू आश्रम टू दांडी। देखिए वो कितना डिस्टेंस कवर किए थे, 240 माइल्स कवर किए थे 24 डेज में। ठीक है, तो दांडी मार्च, लेकिन हमने क्या क्यों देखा कि सॉल्ट पे ही क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो था वो अदर प्लेसेस पे सॉल्ट ही मैन्युफैक्चर होता था हाई स्केल पे इलीगली, वो भी होता था क्यों, क्योंकि सी वाटर में बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट होता, उसे बॉयल कर देते थे। तो इससे क्या हुआ, ये जो फॉरेस्ट एक्ट था वो ब्रेक हो गया, वो टूट गया। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो थे और उनके साथ जो मैंने लीडर्स बहुत ऐसा जो लीडर्स थे वो सब भी अरेस्ट हो गए, और लगभग 1,00,000 सत्याग्रह वो भी अरेस्ट हुए। मींस महात्मा गांधी जी के साथ जो वॉलंटियर थे वो भी अरेस्ट हुए, महात्मा गांधी अरेस्ट हुए, उनके साथ जो 1,00,000 सत्याग्रह थे वो भी अरेस्ट हो गए। फिर आती गांधी इरविन पैक्ट, जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, और सत्याग्रह को रिलीज़ कर दिया। तो गाइस फाइनली बाद में गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की इंग्लैंड में। ठीक है, बट वहाँ पे कोई भी फ्रूटफुल डिसीजन, कोई भी डिसीजन, सही डिसीजन नहीं लिया गया, और ही रीस्टार्टेड दी सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट। ठीक है, बट जब उन्होंने रीस्टार्ट किया तो इसमें उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद आता हमारा लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट, इसकी लिमिट्स क्या थी, लिमिटेशन क्या थी। तो देखिए यहाँ पे अनटचेबल्स जो पीपल थे, मीन्स हरिजन जो दलित थे, ठीक है, उन्हें गांधी जी कहते थे हरिजन, द गॉड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे B.R. अम्बेडकर जो थे उन्होंने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्ट्रेट, डिमांड किया था रिजर्व सीट फॉर द प्रोविंशियल। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने ये डिमांड की थी कि उनके लिए रिजर्व सीट और सेपरेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हिंदू महासभा हुई किसके साथ, कांग्रेस के साथ, जिसमें मुस्लिम्स को जो थे उन्हें एलिनेटेड किया गया। मीन्स एलिनेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, एलिनेशन मीन्स होता है कि आदमी को ऐसे ट्रीट करना कि वो इंसान है ही नहीं, मीन्स उस ग्रुप का है ही नहीं। ठीक है, तो उनसे अलग तरीके से पेश आना, बहुत बुरी तरीके से पेश आना, उसे कहते हैं एलिनेशन। ठीक है, तो गाइस फिर हम आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट में, दैट इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, तो देखिए इसमें देखिए सॉन्ग्स हो गया, पॉपुलर प्रिंट्स हो गए, सिंबल हो गया, दे ऑल मेक अ पार्ट एंड दे प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द नेशनलिज्म। ठीक है, तो देखिए 1932 में हमारा ट्राइकलर फ्लैग आया इंडिया का। ठीक है, फिर आते हैं हमारा भारत माता एलिगरी। एलिगरी क्या होता है, ये एलिगरी एक फीमेल फिगर होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक नेशन को। ठीक है, एक नेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एलिगरी फिगर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत माता जी का एलिगरी फिगर हो गया, जिसे बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने बनाया था, और उन्होंने 1870s में वंदे मातरम सॉन्ग लिखा, और नेशनल सॉन्ग जो जनगणमन है उसे रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। तो फाइनली फिर गांधी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, जो कि सक्सेसफुल था। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, देखिए ये मूवमेंट था जिसमें वो गांधी जी ने और बाकी सब लोगों ने मूवमेंट किया, जिसमें कि वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल को अब ख़त्म किया जाए, एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ये मूवमेंट था, और फिर ये गांधी जी का मूवमेंट सक्सेसफुल भी हुआ, ब्रिटिश का जो रूल था इंडिया पे वो ख़त्म होगा। फाइनली हमें 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, हम लोग आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। सो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, क्लास 10th का फुल चैप्टर एनिमेटेड स्टोरी थी। ठीक है, सो गाइज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। ठीक है, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा जिससे कि और लोगों तक पहुँचे। ठीक है, और ऐसे हमारी एडुकेटिव फैम बढ़ी और हम नए नए कंटेंट आपके लिए लाते रहें। ठीक है गाइज, तो चलो तब तक के लिए जय भारत जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ गाइज आप कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, मतलब अब नेक्स्ट टॉपिक पर आपको कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है, तो वो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।